हेलो माय लवली एंड चटोरी फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मिठाइयाँ तो आपने बहुत खाई होंगी। मिठाइयों की बात की जाए तो बंगाल की मिठाइयों की बात ही कुछ अलग होती है, खासकर रसगुल्ला और खजूर के गुड़ का संदेश, जिसे बंगाली में खजूर गुड़ेर संदेश कहते हैं। बंगाली खजूर के गुड़ का संदेश सर्दियों के सीजन में बंगाल में हर गली नुक्कड़ में मिठाई की दुकान पर देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं रेशमी विद्यांत आपके लिए मुंह में मेल्ट होने वाली सर्दियाँ स्पेशल क्विक और इजी खजूर का गुड़ का संदेश बनाने के लिए प्रस्तुत हुई हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि खजूर का गुड़ कहाँ से मिलेगा। इसे आपके वहाँ पर जो भी बंगाली शॉप है जहाँ पर बंगाल के खाने पीने के सामान मिलते हैं वहाँ पर आपको इजीली मिल जाएगा, या फिर बंगाली मिठाई की शॉप पर भी मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक डेमो दिखा दे रही हूँ कि ये कितने सॉफ्ट हैं। आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये कितने सॉफ्ट हैं। ऐसे ही कई सारे स्वीट वीडियोस हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इजीली लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस स्वीट डिश को आप सब घर पर एक बार जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन पर अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। रेसिपी पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो कि बिल्कुल से फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आखिरी में बगल में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरे नए वीडियो के रिसेंट अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा बात ना करके रेसिपी को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो इस संदेश को बनाने के लिए ये मैंने करीबन 1 लीटर दूध लिया है, जिसे मैंने गैस में चढ़ा दिया है। अब इस दूध के उबाल आने तक का इंतज़ार करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, दूध में उबाल आ चुका है। अब इसमें नींबू का रस आवश्यकता अनुसार डालकर लगातार चलाएं और दूध को फाड़ के छेना बना लें। जैसा कि आप देख सकते हैं, दूध फट चुका है, छेना और पानी अलग हो चुका है। अब गैस को ऑफ कर दें। अब इस तरीके का बड़ा साइज का बर्तन लें और उसके ऊपर से मलमल का कपड़ा रखें या कॉटन का कपड़ा रखें, और अब बनाए गए छेने को उसके पानी के समेत डालें और छान लें। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके बार बार ठंडा पानी डालें और अच्छे तरीके से हर बार मसलते रहें, जिससे कि नींबू का जो महक है और खटास है सब चली जाए। और अब चारों तरफ से कपड़े को इस प्रकार से लेकर पोटली बना ले और पानी को अच्छे तरीके से निचोड़ ले। और अब इस छेने वाली पोटली को खोलकर एक अलग प्लेट में रखें। और अब हथेली के नीचे के हिस्से से इस प्रकार से छेने को अच्छे तरीके से मसलते हुए महीन कर ले। जैसा कि आप देख सकते हैं, छेना बिल्कुल से महीन हो चुका है। मैंने इसे करीबन 10 मिनट लगातार मसला है। अब खजूर के गुड़ को डालें, जिसे मैंने अच्छे तरीके से तोड़ लिया है। आप चाहे तो इसे गैस चूल्हे में गला भी सकते हैं और फिर इसे डाल सकते हैं। खजूर के गुड़ की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जिस हिसाब से आप मीठा खाना पसंद करते हैं। और अब इसे अच्छे तरीके से मैश करते हुए मिक्स कर लें। गुड़ और छेना अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब इधर गैस में पैन या कढ़ाई चढ़ाएं, उसमें 1/2 टीस्पून देसी घी गरम कर लें। आप चाहे तो इस प्रोसेस को स्किप कर सकते हैं, इसमें डायरेक्ट आप मिक्स्ड छेना और गुड़ को डाल सकते हैं। देसी घी डालने से इसका टेस्ट और अच्छा आता है, इसलिए मैं देसी घी डाल रही हूँ। और जब देसी घी गर्म हो जाए तो फ्लेम को लो करके पैन के पूरे सरफेस में घी को फैला दें और फिर मिक्स्ड छेना और खजूर के गुड़ को डालकर लगातार लो फ्लेम में 3 से 4 मिनट फ्राई करें। आप चाहे तो इसमें इलायची पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन मैं इधर नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि खजूर का गुड़ का खुद का एक फ्लेवर होता है, वो फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो लीजिए फ्रेंड्स, छेना तैयार है, ये सुनहरा होके फ्राई हो चुका है। तो जैसा कि मैंने इधर देसी घी डाला था, वो देसी घी एक्स्ट्रा था ओनली फ्लेवर बढ़ाने के लिए। तो अब पैन को थोड़ा सा 5 मिनट टेढ़ा करके रखें, जिससे ये एक्स्ट्रा देसी घी छेने से अलग हो जाए। अब आप लोग सोच रहे होंगे फ्रेंड्स, ये देसी घी वेस्ट चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये नहीं जाएगा वेस्ट। फ्रेंड्स, दूध तो हर कोई पीता है, इस घी को आप दूध में मिला दीजिए। गर्म दूध में ना मिलाए, नहीं तो दूध फट सकता है। इसके मिलाने से दूध का टेस्ट और अधिक बढ़ जाता है
और साथ में हल्दी भी है। 5 मिनट हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि छेने का सारा घी अलग हो चुका है। अब छेने को प्लेट में डालें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें फिर से गुठलियाँ आ गई हैं। अब इसे 5 से 10 मिनट फिर से सेम प्रोसेस में मसले और छेने को महीन करें। जैसा कि आप देख सकते हैं छेना महीन हो चुका है। अब इसे सावधानी पूर्वक कोई भी शेप दें। मैं इसे पेड़े का आकार दे रही हूँ। आप चाहे तो इस मिठाई को शेप देने के लिए मिठाई के सांचे का भी प्रयोग कर सकते हैं। आपके सामने ऑथेंटिक बंगाल की मोस्ट फेमस खजूर के गुड़ का डिलीशियस सौंदेश बनके रेडी है। इसे आप खुद अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें या फिर मेहमानों को सर्व करें, ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर एक नई रेसिपी लेकर मैं रेसिपी विद अंत फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए गुड बाय।